महानगर कोलकाता में एक बार फिर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए हैं। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ा गया है जो एक मंत्री के साथ कोयला तस्करी मामले से जुड़ा हुआ है। ईडी ने कहा कि ये कार्रवाई उस खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिससे पता चला था कि एक बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिक नेता अपने करीबी शख्स मंजीत सिंह ग्रेवाल के जरिए कोयला तस्करी से होने वाली अवैध कमाई को वाइट करने की कोशिश की जा रही थी। ईडी ने कहा कि इस संपत्ति की मार्केट कीमत 12 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि प्रॉपर्टी की खरीद करीब 3 करोड़ रुपए दिखाई गई है। इस प्रॉपर्टी को कम कीमत पर खरीदा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने कोलकाता की कई जगहों पर छापेमारी की थी। एक बिजनेसमैन के घर पर रेड मारकर ईडी ने उससे काफी समय तक पूछताछ की, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। बताते चले कि मंजीत सिंह कोलकाता का बहुत ही नामी व्यापारी है। उसके पास से बड़ी संख्या में कैश बरामद किया गया है।